हेलो back to वेलकम बैक टू is इज your spoken English स्पोकन इंग्लिश today, एंड is the इज़ द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड द वर्ड ऑफ द डे इज swamped. Swamped. Swamped का मतलब होता है किसी चीज़ का सैलाब आ जाना किसी चीज़ से भरा होना फॉर example, मेरे पास काम का बहुत लोड है तो आप क्या बोल सकते हो लाइक like, मेरे पास काम का लोड काम का लोड है तो मैं कह सकती हूँ आई एम स्वम टू विथ वर्क या मेरे जो मेरा जो मेल बॉक्स है वो पूरा भरा हुआ है मेल से तो मैं बोलूँगी ओह माई मेल बॉक्स स्वर्म ट विथ मेल्स अननेसेसरी मेल्स और एल सपोज आई कि सपोज आई वेंट आउट समवेयर और मेरे पास फोन पे बहुत सारे वॉइस नोट्स आए हुए हैं बहुत सारे लोगों के नोट्स आए हुए हैं बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू पिक अप तो मैं अपनी ओ मई गॉड जो है मेरा जो फोन है वो वॉइस मैसेजेस से भरा हुआ इट्स वॉइस मैसेजेस अंडरस्टूड सो स्वम्प्ट का मतलब होता है भरा होना किसी चीज से एकदम सैलाब आ जाना किसी चीज का अब इसका जो प्रनाउंसिएशन है कैन यू सी इट हियर इट्स नॉट स्वम इट इज ट मतलब इट इज स्वम 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 पट नहीं स्वम सो so अपन इसको जो है आई लव माई हिंदी दो बट इसको जो है ना आधा पर कर देते हैं ठीक है स्वम ऐसा आएगा ये स्वम्प्ट सेट swamped, swamped, गुड तो अब जो है मैं बता दी हूं कि a swamped of दिस uh, दैट like, इसका मतलब मैं किसी चीज को डिस्क्राइब कर रही तो अगेन ये एडजेक्टिव हो गया मीनिंग क्या हो जाएगा फिल्ड और कवर्ड विथ वाटर अगर अपन जैसे स्वम बेसिकली दलदल को कहते हैं दूसरा हो गया फ्लडेड ओवरवेम विद एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग ओवरवेम लाइक ओ माई गॉड इसको बोलते हैं ओवरवेम हो जाना कि ओ माई पास कितना ज्यादा है सो so, किसी भी चीज की अति हो जाती है जब तो आप ओवरवेम फील करते हो तो किसी चीज की अति हो जाना उसके बाद ये जो ओवरवेम फील करना होता है इसको भी हम स्वम कहते हैं एग्जाम्पल्स देख लेते हैं द बोट वॉज एन बायस वेव जो बोट थी वो डूब गई कैसे एक बहुत बड़ी सी जो है लहराई बोट के ऊपर गई और बोट डूब गई इसको बोलते हैं स्वम्प मतलब इसको बोलते हैं ड्राउन हो जाना ड्राउन को हिंदी में क्या बोलते हैं डूब जाना ओके नेक्स्ट इज वी हैव वर्क हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है क्या बताएं इतना काम है इतना काम है वी आर विद वर्क ये तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होगी शी वॉज स्वम्ब विद इमोशंस हा उसको बताया गया दैट यू हैव प्रमोटेड एंड शी वॉज वेटिंग फॉर दिस प्रमोशन फॉर ऑलमोस्ट टेन इयर्स एंड फाइनली इज द डे जब वो प्रमोट हो गई तो शी वॉज स्वम्ब विद इमोशंस या वो एक एथलीट थी जो इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रही थी एंड शी वन गोल्ड

इसका ऑपोजिट सो दैट वॉज अ वर्ड ऑफ द डे एंड हियर इज योर वेबसाइट आर वेबसाइट विच इज योर वेबसाइट एज वेल जहां पर आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे ऑल यू हैव टू डू इज जैसे आप डब्ल्यू 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 डॉट मैगन इन डॉट कॉम पे आप लिखते हो ऑड्रेस बारे में एंटर करते हो ये आपको दिखेगा स्पोकन इंग्लिश क्लिक स्पोकन इंग्लिश के बाद यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करो एंड यू विल बी सॉम्ड विथ लॉट ऑफ वीडियोस अब इन वीडियोस में से जो भी वीडियो आपको देखना है उस पर क्लिक करो एंड द वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस ईजी चलिए थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी मिलते हैं कल एक और अच्छे से वर्ड के साथ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टू नॉट फोरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यस डोंट यू डे फोगेट कि आपको यहाँ पे सेंटेंसेस क्रिएट करके मुझे भेजने ठीक है बाय